क्राइम ब्रांच की मैं था मेट्रो में मेजिस्ट्रेट में। जैसे क्या डेवलपमेंट था जो क्या आपने प्ली लगाई? आज जो बवाना फायर कांड वाला केस था उसके अंदर एक्यूज जो मनोज जैन है उसकी 2 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट ने और बढ़ा दी है। पुलिस का कहना था कि वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहा है। जो मोबाइल का लॉक है वो लॉक भी उसने नहीं खोला है, इसकी वजह से पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसको तफ्तीश करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पुलिस ने एक और फैक्ट्री O6 सेक्टर 5 बवाना की फैक्ट्री है जो इसी एक्यूज की फैक्ट्री है उसको भी पुलिस ने पकड़ा है और उसको भी सीज किया है। पुलिस उन इन्वेस्टिगेशन पर भी जांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसका उससे और सोर्स क्या क्या है, सामान कहाँ जाया करता है। इसके अलावा पुलिस जो है कि जो रिलेशन है जो ललित ने ये बताया कि वो सर्वेंट है उस पॉइंट को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इनका अपना रिलेशन क्या है। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको पुलिस ने आज भी ये बताया कि तफ्तीश को पूरी तरह से अपना कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और जो हमें चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल रही है। एक और फैक्ट्री ओनर जहाँ से सामान लेके आया करते थे जी, एक और फैक्ट्री ओनर जहाँ से सामान लेके आया करते थे ये एक्सप्लोसिव मटेरियल, उसकी मौत हो गई है तो उसका एंगल तलाश कर रहे हैं कि फिर वो ये सब इसमें कैसे हुआ। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि एक इसमें मरने वाली एक 12 साल की बच्ची भी थी तो उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का जो मामला था अभी तक किसी के सामने नहीं आया। आज हमने कोर्ट को बताया कि जो मरने वाली जो लड़की थी वो बच्चा जो था 12 साल का था तो कोर्ट जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं कि इन सारे मामलों के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए और सारे सारे जो मामले हैं वो पूरी गहन तफ्तीश करके फिर कोर्ट के सामने दी जाए। एक NIA को भी आपने कहा है कि इसकी NIA जांच करे, CBI ना करके क्यों? कोर्ट से ये गुहार लगाई कि इसकी तफ्तीश जो है वो NIA को दी जाए या किसी और फेडरल एजेंसी को CBI को दी जाए। कारण ये है कि तफ्तीश जो इस केस में है वो केवल एक स्टेट की नहीं है, कई सारी स्टेट से इन्वॉल्व है। ये जो रॉ मटेरियल है वो UP से लाया करते थे, उसमें बनाने के बाद नेचुरली दिल्ली में तो नहीं बेचा करते थे तो ये जो मटेरियल आखिर कहाँ बेचते थे वो कौन कौन से स्टेट है, तो फेडरल एजेंसी या NIS की जांच करेगी तो उसकी जांच अच्छे से हो पाएगी। और इतना बड़ा जो बारूदी सामान जो है वो दिल्ली में आ गया, कैसे आ गया, किसके बिना तफ्तीश के आ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पर जाँच होनी चाहिए।